बहुत 2 दशक हो गए मुझे खेलते हुए और इस कुर्सी पे अपने जीवन को साजते हुए। तो पहली बार जब पैसे कमाने की सोची शरीर से, तो जो मोटिवेशनल स्पीकर का इंट्रोडक्शन दिया गया, तो कॉर्पोरेट्स बैंगलोर के थे सर, जिन्होंने पहली बार मुझे बुलाकर और बोलने के लिए 4 पैसे दिए, जिससे मैं अपने खेलों को सस्टेन कर पाई। तो चाहे आर्थिक रूप से कहूँ, शारीरिक रूप से कहूँ, मानसिक रूप से कहूँ और बायोलॉजिकल रूप से कहूँ, हर बार पैदा बैंगलोर में हुई। तो मेरे लिए अति सम्मान की बात है कि आप आज इस कमिटी को चेयर कर रहे हैं। सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे साथ जो लीड स्पीकर्स हैं वो इतने एमिनेंट हैं कि उनकी कड़ी में जुड़कर मैं अपने आप को एक सुनहरे पल में महसूस कर रही हूँ। एक ऐसे समारोह में जो लोकतंत्र का समारोह है, जो प्रजातंत्र का एक उत्सव है, उसमें एक पत्र आता है एक आम महिला को, और उस पत्र के नीचे जो इनविटेशन आता है उसमें ऐसे नाम जुड़े हुए हैं जो सुमित्रा महाजन जी का है, मीरा कुमार मैडम का है, शिवराज पाटिल जी हैं, मनोहर जोशी जी हैं, और फिर एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है टेक्नोलॉजी का, जो वर्ल्ड पीस पे कार्यरत है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे उनका सारा उद्देश्य है, उसके लिए एक आम महिला जो गृहिणी थी और फिर अपने जीवन में एक मिशन एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी को लेकर निकली, तो इस शरीर में उसने कुछ इस शरीर से अपने देश के लिए जो कार्य किया उसको सरकार ने सराहा, देखा, और आप सब के मध्य जो सब आज लोकतंत्र नाम की धरोहर को समेटे हुए, संजोए हुए और बढ़ाते हुए कार्यरत हैं, प्रतिनिधि हैं लोगों के, उनसे बात करने के लिए, उनको जीवन की एक दीक्षा जिसे वर्क लाइफ बैलेंस कहते हैं, वो एक आम महिला जिसका एक तिहाई हिस्सा कार्यरत है शरीर का, वो आके आपसे साझा करे, तो ये हमारे देश की परंपरा और लोकतंत्र का इतना बड़ा उदाहरण है कि मैं भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ आज की। वाकई हम एक अमृत काल में हैं, 75वां साल जो हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव मन रहा है, ये उसका साक्षात जीता जागता उदाहरण है कि दीपा मलिक आज यहाँ बोल रही है। इसके लिए आप सबका बहुत बड़ा धन्यवाद। एक ऐसा लोकतंत्र जहाँ अब्दुल कलाम भी राष्ट्रपति बनते हैं, एक ट्राइबल महिला द्रौपदी जी भी राष्ट्रपति बनती हैं, और एक दलित महिला लोकसभा की स्पीकर बनती हैं मीरा जी, और एक दिव्यांग महिला आज वर्क लाइफ बैलेंस पे आपसे बात करेगी। मैं उतनी ज्ञानी नहीं हूँ, मैं ना किसी सरकारी काम से गुजरी हूँ, ना मैं किसी राजनैतिक पद पर हूँ, मैंने केवल अपने जीवन से सीखा है और वही सीख आपसे साझा करूंगी। वर्क लाइफ बैलेंस का पहला उदाहरण मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा तो अपने माँ बाप से सीखा, जैसे कि परम गुरु सबके अपने माँ बाप होते हैं, लेकिन मेरी सीखने की सर्कमस्टांसेस जो थी वो कुछ अलग थी। 5 वर्ष की आयु में पहली बार जब लोगों ने पूछना शुरू किया कि क्या बात है आजकल आपकी बिटिया जो अदरवाइज बाहर खेलती रहती थी दिख नहीं रही है, अंदर ही बैठी रहती है, तो एक दिन पिता घर में आए और कुदरती बाहर पड़ोस की जो महिला थी उनसे मुलाकात हुई, और उन्होंने कहा कि भाई पहले हम सोचते थे आपके घर 2 पुत्रों ने जन्म लिया है, क्योंकि आपकी बेटी तो लड़कों के साथ और लड़कों वाले खेल खेला करती थी, लेकिन शुक्र है अब धीरे धीरे वो लड़कियों की तरह बिहेव करने लगी है। वो बात सुनकर मेरे पिता का माथा ठनका, वो घर आए और उन्होंने पूछा ऐसा क्या हुआ, क्योंकि वो व्यस्त रहते थे और वो आर्मी में ऑफिसर थे, तो उन्हें लगा कि कहीं कोई प्रेशर तो नहीं दिया जा रहा मानसिक रूप से इसको एक लड़की की तरह बिहेव करने के लिए। तो घर आए, माता जी से बात करी, बोले क्यों ऐसी, पड़ोस की महिला ने कहा कि अब ये लड़कियों जैसा बिहेव कर रही है, तो माता जी ने कहा नहीं अब ये गुड़ियों से ज़्यादा खेल रही है, ये कलरिंग ज़्यादा कर रही है, बिस्तर पर बैठी रहती है, बाहर नहीं जाना चाहती। तो मेरे पिता उस वक्त अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकालकर चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास मुझे ले गए, उन्हें लगा कहीं ना कहीं मेरे पे एक स्टीरियोटिपिकल महिला की तरह बिहेव करने का, एक गर्ल चाइल्ड की तरह बिहेव करने का, जिसका काम है गुड़ियों से खेलना या रंगों से सजाना या घर में बैठना। तो मैं खुश थी कि मेरे पिता ने अपने व्यस्त जीवन से ये सोच रखी और ये वक्त निकाला
कि वो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट जिसके पास आज भी 21वीं सदी में लोग साइकोलॉजिस्ट के पास या मेंटल वेलबींग की बात करने में डरते हैं, वो मुझे लेकर गए। जब वहाँ से मुझे क्लियर किया गया तो ये समझ आई कि कुछ शारीरिक तकलीफ इस बच्चे को हो रही है, और वही हुआ धीरे धीरे, जो मेरी कमज़ोरी थी वो बढ़ती गई। और बहुत सारा इलाज कराने के बाद विभिन्न शहरों में वो पुणे कमांड हॉस्पिटल में मुझे लेकर आए और एडमिट कराया। वहाँ पे मैं लगभग 8 महीने एडमिट रही। धीरे धीरे शरीर में कमज़ोरी बढ़ती गई, डॉक्टरों को समझ नहीं आया, मेडिकल तकनीकी इतनी एडवांस नहीं थी, और जो भी मिलने आया उसने एक ही बात करी, ईश्वर इस लड़की को उठा ले, बड़ा दुखी है ये परिवार, देखो कैसे भागदौड़ करनी पड़ती है, माँ बेचारी साइकिल पे खाना बांध के जाती है, सुबह स्कूल में बच्चे को भेजती है, पिता तो स्कूटर पे दिन रात चक्कर ही काटता रह जाता है। काफ़ी तकलीफ दह एक छवि बना दी गई हमारे परिवार की। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो वर्क लाइफ बैलेंस हमारे परिवार में चल रहा था उस वक्त, मुझे अस्पताल में रहना ऐसा लगता था, ये नहीं लगता था कि मैं तिरस्कृत हूँ, ये नहीं लगता था कि मैं बोझा हूँ, मुझे लगता था वो वैल्यूज़ जो हमने उस टाइम सीखी वर्क लाइफ बैलेंस की, वो मेरी आज तक चलती है। क्योंकि मुझे ये पता था कि जो प्लानिंग प्रायोरिटाइजिंग मेरे पेरेंट्स बैठ के करते थे, मैं उन्हें अक्सर देखती थी कागज पेंसिल लेके दोनों बैठ जाते थे कि इस दिन दीपा का चेकअप है, इस दिन पिता के ऑफिस में ये कॉन्फ्रेंस है, इस दिन उनको फायर आर्म ट्रेनिंग के लिए जाना है, इस दिन उनकी डिनर नाइट है, इस दिन भाई का एग्जाम है, इस दिन मेरा एक इम्पॉर्टेंट लंबर पंचर सर्जरी है। और फिर उस दिनचर्या को वो सेट कर बहुत ही सुंदर तरीके से, साथ ही उसमें कब बाजार से खाना लाना है, कब खाना बनाकर एडवांस में रख लेना है, कौन सी यूनिफॉर्म पिता की कब माता ने लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाना है ताकि वो दफ्तर से जब आए दोपहर का वक्त भाई के साथ मेरे साथ व्यतीत करके शाम को वो बड़े सुचारू रूप से अपनी फायरआर्म ट्रेनिंग में वो वस्त्र पहनकर चले जाए, हर चीज़ की एक प्लानिंग होती थी, हर चीज़ की प्रायोरिटाइजिंग होती थी, और हर चीज़ को लिखित पे लिखकर और उसको बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से निभाया जाता था, उसकी तैयारी की जाती थी। और कहीं भी मुझे नहीं लगता था कि चिड़चिड़ाहट होती थी। मैंने कभी अपनी माँ को तंग नहीं देखा, मैंने कभी अपने पिता को खिंचते हुए नहीं देखा। और इस सब के बीच मेरा आत्मविश्वास कितना बढ़ा कि ये एक ऐसा परिवार है जहाँ मुझे बहुत प्यार से रखा हुआ है। वी वर लर्निंग टीम वर्क, वी वर लर्निंग वैल्यूज ऑफ लाइफ, वी वर लर्निंग वैल्यूज ऑफ ह्यूमैनिटी एंड टेकिंग केयर ऑफ ईच अदर, वी वर लर्निंग डिविजन ऑफ रोल्स, वी वर लर्निंग डिविजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। छोटे भाई को भी, जो मेरे से केवल 2 साल बड़े थे, उसे भी जिम्मेदारियाँ दी जाती थी, उसे भी। सो वो जो 3-4 वर्ष का वक्त मेरी बीमारी में निकला, जब मेरा पहला ट्यूमर की सर्जरी हुई और फिर मेरी रिहैबिलिटेशन हुई, और रिहैबिलिटेशन के समय भी मैंने एक चीज़ सीखी, क्योंकि आप सब, जैसा मैडम ने कहा कि बहुत ज़्यादा वर्कलोड में रहते हैं, आप प्रतिनिधि हैं, जनता की उम्मीद आपसे है, लोग समझते हैं कि उनकी हर तकलीफ़ों की कुंजी आपके हाथ में है, एक वोट दिया है तो उसके बदले में लोग चाहते हैं कि उनकी सारी तकलीफ़ें आप ले लें और आप उसे दूर कर दें। सो जब मैं अपनी तकलीफ से उभर रही थी, सर्जरी के बाद थोड़ा थोड़ा रिकवरी मेरे पैरों में आने लगी, तब मुझे एक्सरसाइज में डाला गया। और जब एक्सरसाइज में डाला गया तो मुझे खड़ा करने के लिए कैलिपर में, लोहे के बने हुए फ्रेम में, चमड़े के चेस्ट ब्रेस में और बेल्टों के साथ मुझे खड़ा करने की कोशिश की जाती थी। वो बहुत तकलीफ दह था, क्योंकि बार बार एक ही जगह जब वो चमड़े के स्ट्रैप बंधते थे, मुझे घुमौरियाँ होती थी, प्रिकली होती थी, कट्स आ जाते थे, खून रिसता था, और मुझे वो पहनना तकलीफ दे लगता था। लेकिन पिता ने, डॉक्टर्स ने, जो उस वक्त मेरे गुरु थे, उन्होंने मुझे ये समझाया कि जब आप इस छोटी सी तकलीफ़ के परे देखोगे, आप अपने बड़े गोल को देखोगे, उद्देश्य को देखोगे, जो आपका उद्देश्य है चलना,
अगर उस उद्देश्य की तरफ गौर रखोगे और सहन शक्ति को थोड़ा सा बढ़ा लोगे इस तकलीफ को सहने का, तो आप अपना ध्येय प्राप्त कर पाओगे। आज 2 मिनट खड़े होने की शक्ति को संजोओगे तो कल 4 मिनट खड़े हो पाओगे। आज 10 कदम चलने की प्रैक्टिस करोगे तो एक दिन 100 कदम चलोगे। धीरे धीरे मैंने ये सीख लिया कि जब भी कुछ बड़ा करना है तो थोड़ा कष्ट तो सहना होगा, थोड़ा सा अपने आप की लिमिट्स को पुश करना होगा, अपने बार को रेज करना होगा, 2 कदम से 4, 4 से 10 और 10 से 100। सो एक नन्ही बच्ची जो मात्र 7 साल की थी, उसने ये सीख लिया था, व्हेनेवर यू हैव टू अचीव समथिंग बिग एंड योर गोल इज लार्जर देन योर ओन कम्फर्ट, यू हैव टू पुश योर लिमिट्स, यू हैव टू टेक अ लिटिल बिट ऑफ डिसकम्फर्ट एंड स्टेप आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन। सो यू हैव टू रेज द बार ऑफ योर वर्क लाइफ बैलेंस बिकॉज यू आर डेडिकेटेड, वी ऑल आर डेडिकेटेड टू पब्लिक सर्विस and public service will need that extra push, that extra effort, that extra discomfort. So if you continuously crib about the fact that I am not being able to do a right work time balance, I am forever busy, you will be forever busy. So you have to raise your own bar of work life balance. And फिर मैं आगे बढ़ी अपने जीवन में, मेरा जीवन सुचारू रूप से चला, मैं खेली, मैं राजस्थान से पढ़ी हूँ, सौभाग्यशाली रही हूँ कि मैं लगभग पूरे देश घूमी हूँ, क्योंकि पिता पति सभी फौज में रहे तो अलग अलग जगह अलग अलग भाषाएं सीखने का मौका मिला। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं पंजाबी भी बोल सकती हूँ, मराठी समझ सकती हूँ, तमिल में मैनियुंगल पैरन बोल सकती हूँ, सापड़ सापटिया बोल सकती हूँ, मैं काफ़ी भाषाएँ समझ लेती हूँ सर, कन्नड़ा भी कन्नड़ा भी सीखेंगे सर। सो लेकिन मेरा विवाह हुआ, विवाह के बाद मेरी बिटिया हुई और मैंने अपना बचपन अपनी बेटी के पाँव में जीना शुरू किया, घुंघरू भरी पायलें ला के देनी शुरू करी और जब वो चलती तो मैं उन घुंघरुओं की आवाज़ में, आज हमने घंटी सुनी डेमोक्रेसी की, अच्छा लगा कि हम ऐसे देश में जी रहे हैं जिसको पूरा पूरा संसार मुड़कर देखता है। कई देश हैं जो हमारे साथ आजाद हुए थे लेकिन आज उनके कदम लड़खड़ा रहे हैं क्योंकि लोकतंत्र को वो नहीं बचा पाए। हम जीवित हैं, हम स्वस्थ हैं, हम खुश हैं अपने देश में क्योंकि हम अपने प्रजातंत्र को बचा पाए। तो वो घुंघरुओं की आवाज में खुशी वो भी ज्यादा दिन नहीं चली। एक दिन गलती से मेन दरवाजा खुला रह गया, बिटिया बाहर गई, एक्सीडेंट हुआ और हेड इंजरी के चलते उसका बायां हिस्सा पैरालाइज हुआ। और नन्ही बच्ची को पैरालाइज देखकर, जिसमें डॉक्टरों ने यह भी कह दिया कि पता नहीं दिमाग की ताकत कितनी बचेगी क्योंकि दिमाग पे कितना असर हुआ है 14 महीने की बच्ची में पता नहीं। 2 दशक के बाद मैं वहीं खड़ी हो गई जहां बचपन में खड़ी थी, पहले अपनी बीमारी देखी फिर बिटिया की बीमारी देखी। लेकिन क्योंकि बचपन में मैंने ट्रेनिंग ली थी वर्क लाइफ बैलेंस की, मैंने देखा था कि हर चीज को सुचारू रूप से बिना मेंटल टेंशन लिए, क्योंकि स्ट्रेस इज द की वेयर द बैलेंस स्टार्ट्स डिविएटिंग, द बैलेंस स्टार्ट्स गेटिंग डिस्टर्ब्ड। उस पे मेहनत कर ही रही थी कि मेरे ट्यूमर्स लौट कर आ गए और इस वक्त ट्यूमर्स स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से निकले और डॉक्टरों ने कह दिया कि अगर जान बचानी है तो जल्दी सर्जरी कराइए। और सर्जरी कराते ही या तो जीवन चला जाएगा ड्यूरिंग सर्जरी बिकॉज कॉम्प्लिकेटेड हो गई है और इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर आपको अपना जीवन बचाना है तो एक सर्जरी के लिए हमें जाना पड़ेगा। एक ऐसा वक्त जब घर में पिता ससुर भाई पति कारगिल की लड़ाई में थे और मैं दिल्ली के रेफरल रिसर्च हॉस्पिटल अकेली पहुंची, मेरी 24 घंटे सर्जरी हुई, कॉम्प्लिकेशन हुआ, शरीर कोमा में गया, एक और सर्जरी हुई और आज 24 वर्ष हो गए इस शरीर में जीते हुए। वो लोग स्पाइनल कॉर्ड का ट्यूमर तो निकाल पाए लेकिन स्पाइनल कॉर्ड क्षतिग्रस्त होने की वजह से छाती का निचला हिस्सा मेरा लकवाग्रस्त है। जब मैं कहती हूँ कि छाती का निचला हिस्सा लकवाग्रस्त है, इसके नीचे मैं अपने शरीर को महसूस नहीं कर पाती हूँ, मेरी कोई मसल पावर नहीं है, कोई टॉर्सो बैलेंस नहीं है। 3 बड़े बड़े ऑपरेशन होने की वजह से मेरे कंधों के बीच में 200 टाँके हैं, 7 डिस्क मेरी ऑपरेटेड है जिसमें टाइटेनियम प्लेटिंग या बोन फ्यूजन नहीं कर पाए,
क्योंकि मुझे MRI के लिए हर 2 वर्ष जाना पड़ता है, हर 2 वर्ष मेरे शरीर में कीमो और रेडिएशन दी जाती है ताकि मेरा ट्यूमर दोबारा ना आए। आधे ही फेफड़े मेरी सांस भरते हैं और क्योंकि ब्रेक यहाँ पर है, जो मेरे लंग्स हैं उनके ऊपर मेरे रिब्स का प्रेशर आता है और कभी कभी रिब्स उस जगह पे मसल छोड़ देती है तो हार्ट को दबाती है, जिससे मुझे अक्सर चक्कर आ जाता है। मुझे बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है कि मैं अपने शरीर को पीछे खींचती रहूं, क्योंकि मेरी वर्टिब्रल कॉलम कटी हुई है, काइफोटिक डिफॉर्मिटी हो चुकी है, एक कुभ तरीके से मेरा शरीर मुड़ चुका है जो कि और पसलियों को मेरे दिल और मेरे फेफड़ों में दबाता है। मेरा ब्लड प्रेशर का संचालन एक आम व्यक्ति की तरह नहीं है और टेम्परेचर कंट्रोल मेरे शरीर में नहीं है, तो मुझे मौसम देखकर, एयर कंडीशनिंग देखकर, धूप देखकर वस्त्र धारण करने पड़ते हैं। शरीर या तो ज़्यादा गर्म होता है, ज़्यादा ठंडा हो जाता है। सबसे बड़ी जो त्राही मेरे शरीर में है, मल और मूत्र की शक्ति नहीं है। आई हैव नो ब्लैडर और बाउल कंट्रोल। हर घूट पानी का नाप के पीना पड़ता है। ज़्यादा पी लूँ तो डायपर गीला हो सकता है, यूरिन बैग भर सकता है। मैं कहीं पे ट्रैवल करती हूँ तो मुझे देखना पड़ता है कि अगला डायपर मैं कहाँ बदल पाऊँगी, क्या 7 घंटे के अंदर अंदर मुझे एक बिस्तर मिलेगा, कमरा मिलेगा जहाँ लेट कर मैं अपने वस्त्र बदल लूँ। और अगर मैं कम पीती हूँ तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाती हैं ट्यूब्स, आई हैव टू बी टेकन टू द हॉस्पिटल फॉर कैथेटराइजेशन। हर दाना जो मेरे पेट में जाता है वो नपा होता है। कितना फ्रूट खाना है, कितना मैंने हरी सब्जी खानी है, कितना प्रोटीन लेना है, सही बैलेंस नहीं होता। और मल अगर मेरा ढीला हो जाता है तो कहीं भी मल शरीर से बाहर आकर मेरी बेइज्जती का कारण बन सकता है, मेरे को एम्बैरेस कर सकता है। और जब नहीं आता है तो मुझे अस्पताल ले जाना पड़ता है, अनीमा लेना पड़ता है और मल को मेरे शरीर से निकालना पड़ता है। 24 वर्ष से मैं आज इस जीवन में जी रही हूँ, इस शरीर में मैं जी रही हूँ, और हर 2 साल मेरे बाल झड़ जाते हैं क्योंकि कीमो होती है, मुझे अपना जीवन दोबारा स्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन आज 54 वर्ष की आयु है, 24 वर्ष से इस शरीर में हूँ और अपने देश का झंडा इस शरीर से लगभग 24 से ज्यादा बार मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लहरा चुका हूँ। क्योंकि मैंने एक शब्द सीखा है, वर्क लाइफ बैलेंस। मैंने सीखा है कि मैं अपने आप को कैसे खुश रखूं, कैसे स्वस्थ रखूं, और मात्र एक ताही शरीर से मैं अपने देश को क्या दे सकूं, और क्या मैं अपने देश के लिए कुछ कर पा रही हूं। मैं गर्वान्वित महसूस करती हूं कि मैं भारत का पहला महिला मेडल लेकर लौटी हूं। मेरा भारत आज़ाद हुए आज 75 साल हुए, लेकिन जब मैंने 2016 में महिला का मेडल जीता था, मुझे पूछा गया था कि आपको कैसा लग रहा है, मैंने कहा मैं एक ही पल में खुशी हूँ और एक ही पल में दुखी हूँ। बोले क्यों? खुश इसलिए हूँ कि मैं तिरंगा लहरा कर आ रही हूँ, दुख इसलिए हो रहा है कि क्यों लगा 73 साल आज़ाद भारत में एक महिला को मेडल बनाने में, दिव्यांगता में। और फिर मेरे को अपंग से एक शब्द मिला, दिव्यांग, और मेरी दिव्य शक्ति को सराहा गया। आज मैं ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल में कार्यरत हूँ। मैं खुश हूँ कि जब मुझे पद्मश्री मिल रहा था तो मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर ये कहा कि दीपा, कि तुम्हें ये पद्मश्री शायद इसलिए मिल रहा हो लोगों की नज़रों में कि तुमने खेला है, लेकिन मेरी नज़र में इसलिए मिल रहा है कि तुमने दिव्यांग खेलों की पॉलिसी के लिए आगे बढ़कर कार्य किया है। चाहे मोटर व्हीकल एक्ट हो, चाहे दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अडेप्टेशन ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ व्हीकल हो, चाहे इंश्योरेंस पॉलिसीज में बदलाव हो, मैं गर्व से कहती हूँ बहुत चीज़ें ऐसी रही जहाँ पे मैं पहली महिला बनकर उभरी और मैंने सवाल किए और पॉलिसी में बदलाव लाए। मैं आपसे ये बात इसीलिए कर रही हूँ कि वर्क लाइफ बैलेंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है सेल्फ सेटिस्फैक्शन। आपके कार्य में आपको लगता है, जैसे मैडम ने कहा, आप सब कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं भी रात को एक लाल केप पहनकर, नीली ड्रेस पहनकर, खिड़की खोलकर ऐसे सुपर वुमन की तरह उड़ती हुई नहीं कहीं जाती हूँ। मैं भी एक साधारण महिला हूँ, एक साधारण इंसान हूँ, जो 2 बेटियों की माँ है, जो गृहिणी है, और साथ में आज
पूरे देश के पैरालंपिक खेलों का भार संभाल रही है, ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल में कार्यरत है, मैं न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर की फेलो हूँ, मैं स्टेट एम्बेसडर सिटीजन एम्बेसडर हूँ साउथ एशिया की, और साथ ही मैं प्रधानमंत्री की अमृत महोत्सव कमेटी की मेंबर हूँ। बहुत कार्यभार हैं जो मैं संभालती हूँ, लेकिन क्यों कर पाती हूँ? क्योंकि तीन कारण हैं। पहला, मैं अपने शरीर को स्वस्थ रखती हूँ, मैं इसके अंदर सही एनर्जी ऊर्जा रखती हूँ, मैं इस कार्यभार को लेने के लिए अपने शरीर को रेडी रखती हूँ। लोग कहते हैं कैसे सर, मैं 17-17 फ्लाइट एक दिन में लेती हूँ। लोग कहते हैं कि आपकी नींद पूरी हो जाती है, आपका रोज नया कमरा होता है, नया बिस्तर होता है। मैंने अक्सर महिलाओं को या लोगों को कहते सुना, अरे कमरा बदल गया था, बिस्तर बदल गया था, नींद ही नहीं आई। नींद आपको बिस्तरों से नहीं आती, नींद आपको आपके मानसिक आराम से आती है। इट इज माइंड ओवर बॉडी। तो आप जब अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे, अपने शरीर को ऊर्जावान रखेंगे, और ऊर्जा मात्र पंपिंग द आयरन से नहीं आती। मैंने 14,000 केजी का वजन उठाया है जब एक घंटे की एक्सरसाइज करी है, जब मैं ओलंपिक के खेलों में शॉटपुट की तैयारी कर रही थी। लेकिन सही ऊर्जा कब आती है? जब मानसिक तनाव नहीं होता। और मानसिक तनाव कब नहीं होता? जब आपके अंदर गिल्ट का एहसास नहीं होता। आप ना गिल्ट फील करें ना आप और सबसे जो दूसरी चीज मुझे लगती है कि मेंटल वेलबींग आपके परिवार के साथ एक अच्छे कम्युनिकेशन से आती है। जब आपके परिवार को ये पता होता है कि आप जिस कार्य में रत हैं, वो हम लोग कई बार अक्सर छुट्टी भी ले लेते हैं। मैं अपनी बेटियों के साथ, मदर्स डे हुआ या कोई खास दिन हुआ या जन्मदिन हुआ, मैं उनके साथ किसी होटल में खाना खाने जाती हूँ या कहीं बैठी होती हूँ, और वो बच्चियों को लगता है कि ये वक्त एक घंटा केवल हमारा है, लेकिन अचानक फ़ोन की घंटी बजती है और लगता है कि किसी खिलाड़ी को उसका प्रोस्थेटिक नहीं मिला है, किसी खिलाड़ी का वीज़ा नहीं लगा है, अचानक मुझे अब मंत्रालय भागना होगा, विदेश मंत्रालय में बैठ के उस टीम का मुझे वीज़ा निकलवाना होगा, नहीं तो हमारे देश के मेडल नहीं आ पाएंगे, खिलाड़ी नहीं पहुंचे। तो मेरे परिवार में ये समझ है, क्योंकि मैं उनसे कम्युनिकेट करती हूँ कि जो मैं कार्य कर रही हूँ वो थोड़ा अलग हटकर है, और वो किसी ना किसी जीवन को बेहतर करने में जुड़ा है, जो आगे जाकर भारत देश के निर्माण में एक नींव का पत्थर है, एक पत्थर है उस कड़ी में। तो वो मुझे लगता है परिवार आपकी उस बात को समझता है। और एक और जो चीज़ मैंने सीखी अपने जीवन से, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको कहूँगी कि जब जीत की तैयारी अच्छी होती है, मैं खिलाड़ी हूँ, मैंने ये सीखा है कि जब भी तैयारी बेहतर होती है, आत्मविश्वास बहुत कड़ा होता है कि मैं जो करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ वो बहुत सही है। जब मेरे को डॉक्टर ने ये कहा था कि दीपा जी अब आप नहीं चल पाएंगी, तो मैंने रोना धोना उदास होना के बजाय जीवन को चुना। मैंने अपने आप को ये नहीं कहा कि तू अपंग हो जाएगी, मैंने ये कहा कि कदमों को रुकना मंजूर न था, राहें और भी तो हैं, तय तो करना है तो क्यों ना हंस कर, जिंदगी एक सफर ही तो है, उसे मैं सुहाना सफर बनाऊंगी या मैं अंग्रेजी का सफर बनाऊंगी, ये चॉइस मेरे हाथ में है। तो मैंने तैयारी शुरू करी, मैंने अपने बाथरूम को मॉडिफाई किया, मैंने डॉक्टरों से उस बात को समझा कि क्या मैं करूंगी जो मेरी सुविधाजनक रहेगी, जिसमें तकलीफ नहीं होगी, मैं परिवार भी संभाल पाऊंगी। तो उन्होंने कहा आप व्हीलचेयर लीजिए, व्हीलचेयर की हाइट से बराबर बिस्तर लीजिए, आपको एक वाटर जेल मैट्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने वाटर जेल मैट्रेस खरीदा, मैंने एक पारिवारिक डॉक्टर के वहाँ से स्पेशल बेड है उसको हायर कर लिया, मैंने घर के अंदर रैंप बना लिए, मैंने अपनी जेवर को बैंक के लॉकर में रख दिया, मैंने अपने महंगे कपड़ों को अच्छे से पैक कर उनकी लिस्ट बना ली, मैंने अपने बच्चों के टीचरों से बात कर ली, मेरी बड़ी बिटिया का भी इलाज चल रहा था उसके डॉक्टरों से पहले ही बात कर ली, मैंने रिमोट बेल तकनीकी का भी इस्तेमाल किया। जैसे हमने कहा कि आजकल हम टेक्नोलॉजी को बहुत अपने फेवर में यूज़ करके वर्क लाइफ बैलेंस को कर सकते हैं, तो रिमोट बेल मैंने नेबर्स के घर लगा दी, क्योंकि बच्ची एक 3 साल की थी, एक 6 साल की थी, जो 6 साल की थी वो खुद भी अच्छे से नहीं चल पाती थी।
मैंने और तकनीकी का मदद ली, मैंने अपना फ्रिज बड़ा किया कि अब मुझे फल फ्रूट पहले से इकट्ठा करके रखने पड़ेंगे। मैंने एक माइक्रोवेव खरीदा, हालांकि सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, अब पता लगता है, लेकिन तब लगा कि बिना आग जलाए नन्हे बच्चे अपना खाना एक बटन दबा के गर्म कर सकते हैं। तो जो भी मेरे को समझ आया मैंने उसकी तैयारी करी, और जब मैं तैयारी कर कर गई तो मुझे लगा कि मैं तैयार हूँ अपने नए जीवन को अपनाने के लिए, एक शरीर को सीखने के लिए, और फिर मैंने अपने नए शरीर को नए ढंग से सीखा। जब हम किसी चीज़ के बारे में सीखते हैं और तैयारी करते हैं तो हम मेंटल स्ट्रेस में नहीं जाते, और जब नहीं जाते तो मुझे लगता है कि एक खुश दिमाग से, एक प्रसन्न चित्त से जब आप कार्य करते हैं तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा होता है। और अंत में कहूँगी कि प्लीज़ आइडेंटिफाई योर सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस। हर इंसान को अपने आप को खुश रखने का कोई एक तरीका, पैंडेमिक की रिसर्च कहती है कि जिन लोगों के पास हॉबीज थी, जो अपने आप को रिफ्रेश करने और अपने सोल को, अपनी आत्मा को मुस्कुराने की शक्ति रखते हैं, वो लोगों ने बहुत अच्छे रहे, उनकी इम्यूनिटी अच्छी रही, उनकी चित अच्छा रहा, उनकी सेहत अच्छी रही, लॉकडाउन में उनको ज़्यादा असर नहीं हुआ। तो मैंने भी कुछ अपनी हॉबीज़ चुनी और धीरे धीरे अपनी हॉबीज़ को ही मैंने अपनी ताकत बनाया। मुझे गाड़ियाँ चलाना अच्छा लगता था, मुझे कार रेसिंग अच्छी लगती थी, मुझे खेल अच्छा लगता था, मुझे ट्रैवल अच्छा लगता था, और वही मेरे सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस, मेरी शक्ति बन गए। तो कुछ एक ऐसी हॉबी, चाहे कविता लिखना हो, चाहे गाना सुनना हो, चाहे खाना बनाना हो, चाहे ट्रैवल करना हो, चाहे गाड़ी चलाना हो, चाहे नुक्कड़ की टपरी पे बैठ के एक कप चाय पीना हो, कोई एक चीज़ ज़रूर ऐसी रखिए जब सब कुछ थका महसूस हो आप वो एक्टिविटी करें और आप अपने आप को पुनः निर्माण कर लें, अपने चित्त को पूरा कर लें। और क्योंकि पेंडेमिक की बात हुई है और वर्क लाइफ बैलेंस की बात हुई है, तो उस दौरान एक कविता लिखी थी, मुझे लगता है कि हर भारतीय का सपना उस कविता के अंदर झलक कर आएगा। आह्वान हुआ था कि हम एक दीपक जलाएं। इस सेशन की भी जो शुरुआत है वो हमने दिया जला के करी, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए कहते हैं कि जोत से जोत जब जलती है तो ज्ञान की वृद्धि होती है, और शायद यही ज्ञान की वृद्धि के लिए, आदान प्रदान के लिए, एक ज्योति के प्रकाश के लिए हम आज एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो उसी के सिलसिले मैंने ये कविता लिखी थी, उस डायरी के फोटोकॉपी पन्ने में लाई हूँ। ये मैंने COVID-19 में 5 अप्रैल 2020 को लिखी थी, जब 9:09 के लिए एक दिया जलाने की बात हुई थी। इसको मैं इसीलिए कह रही हूँ कि उस पर भी बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी कि दिया जलाने से क्या कोरोना भाग जाएगा। कई बार हम लोग क्या करते हैं, सोच को सकारात्मक रखने की बजाय नकारात्मक रख लेते हैं। सोच जितनी सकारात्मक रहेगी, हर चीज़ में से अगर हम एक अच्छी शिक्षा को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो शायद हम बेहतर अपने फैसले ले पाएंगे। आपका जो विचार सकारात्मक रहेगा तो जो प्रोडक्ट आपके हाथों द्वारा होगा, जो पॉलिसियाँ बनेंगी, जो आप चीज़ें आगे लेकर जाएंगे अपनी प्रजा के लिए, अपने लोगों के लिए, जनता के लिए, लोकतंत्र के लिए, वो बेहतर बनेंगी। तो कुछ मेरे पिता को समर्पित ये कविता है, वो आज जीवित नहीं है। मेरा नाम क्या है? दीपा, जो दिए का प्रतीक होता है। तो उसी पे एक कविता है, दीप सी प्रज्वलित सकारात्मकता को समर्पित, वीर स्वभाव से गठित बिटिया तुम ऐसी होना, ज्ञान से दूर करना अंधकार, जुल्म का ना सहना प्रहार, मानवता का करती रहो प्रचार, बिटिया तुम ऐसी होना, हृदय के हर डर को हराना, जीत के ही सर्वदा दीप जलाना, कर्मठता की शक्ति को बढ़ाना, बिटिया तुम ऐसी होना, पीड़ित को अवश्य देना दान, शिष्टाचार का करना आदान प्रदान, देश के लिए दे देना बलिदान, बिटिया तुम ऐसी होना, न करना कभी स्वयं की बड़ाई, सीखते रहना खूब करना पढ़ाई, अंधकार पे करना रोशनी की चढ़ाई, बिटिया तुम ऐसी होना, आग की ज्वाला सा
ज्योति के उजाला सा, आग की ज्वाला सा, ज्योति के उजाला सा, दीपा रखा है मैंने नाम तुम्हारा, जीवन के संघर्ष से कभी डर न जाना, दीपा बेटी मेरी तुम सदा, उम्मीद का एक नया दिया जलाना।